मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे की तलाश तेज हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो खुद ही मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज तेज कर दिया है। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में जाकर पार्टी के लिए प्रचार करते दिखे हैं। वहीं आज वह एमपी के श्योपुर में पहुंच गए हैं। श्योपुर जिले में बीजेपी की दोनों सीटें हार गई है। शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया है कि मैं मिशन 2029 में जुट गया हूँ। इसके साथ ही पार्टी ने एमपी में विधानसभा चुनाव जीतने वाले 5 सांसदों से इस्तीफा ले लिया है। ऐसे में इनके नामों की चर्चा तेज हो गई है। क्या ये एमपी में मुख्यमंत्री बनेंगे? केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद सिंह पटेल ने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में चर्चाओं का बाजार और गर्म हो गया है। आइए आपको बताते हैं कि इन नेताओं में किसका स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एमपी में सीएम की रेस बने हुए हैं। हालांकि ये विधायक नहीं है, पार्टी की तरफ से जब ये संकेत मिले हैं जब से कि कोई गैर विधायक भी मुख्यमंत्री बन सकता है, उसके बाद से ही इनके नाम की चर्चा को बल मिला है। दरअसल 2020 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से ही एमपी में बीजेपी की सरकार आई थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुड बुक में भी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंधिया स्कूल के कार्यक्रम में आए थे और उस कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का दामाद बता चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी है। सोलंकी पीएम मोदी के करीबी है। वह प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता है, साथ ही संघ से भी उनकी नजदीकी है और लाइमलाइट से दूर रहकर वह काम करते हैं। साथ ही प्रदेश में बड़ा आदिवासी चेहरा है, मालवा निमाड़ के क्षेत्र से आते हैं। इस बार बीजेपी का वहां प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में 21% आबादी आदिवासियों की है। सोलंकी इस समीकरण में फिट बैठते हैं। ऐसे में इनके नाम पर भी मुहर लग सकती है।